कि चिट्ठी आई है गाना हमारे देश में नहीं बल्कि खास तौर पे विदेशों में जो बसे हैं भारतीय वो लोग रो पड़े थे उस समय जब ये गाना आया था सर. थैंक यू सो मच. और चिट्ठी आई है पर उसके पीछे सर हमने किस्सा सुना है कि जब आपने वो गाना रिकॉर्ड किया था जी तो आपने स्टूडियो में गद्दे वद्दे लगवा लिए थे जी. उसके पीछे क्या किस्सा सर? ये गाना लक्ष्मीकांत जी ने कंपोज किया था और अच्छा जी का नाम फिल्म का म्यूजिक उनका था जी. तो जब मैंने दो एक बार गाया तो लक्ष्मी जी आए मेरे पास बैठे पता नहीं क्यों लेकिन उनके जहन में एक बात आई कि आप जब लाइव कॉन्सर्ट करते हैं तो आप कैसे गाते हैं क्या करते हैं. तो मैंने कहा गद्दे पे बैठते हैं हारमोनियम लेके गाते हैं. तो बोले एक काम करते हैं बोले आप 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महबूब स्टूडियो बहुत बड़ा है उसका हॉल बहुत बड़ा है जी बहुत ही बड़ा है और ये गाना लाइव हुआ था इसमें कोई डबिंग नहीं हुई थी. वाह. तो सारे म्यूजिशियन कोई 60-70 म्यूजिशियन बैठे हुए थे. ओहो हो. और उन्होंने क्या किया कि बीचों बीच उन्होंने 4-5-6 टेबल लगा के और वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया और वहाँ हारमोनियम रख दिया और माइक की वो सेटिंग वहाँ कर दी. तो एक रिहर्सल हमने शुरू किया तो बस एक अंतरा गाया था और लक्ष्मी जी ने कहा कि बिल्कुल सही है टेक करते. और चिट्ठी आई है बहुत लंबा गाना था जी. चिट्ठी आई में 3 अंतरे थे और कम से कम 25-30 लाइनें थी गाने की. जी जी जी. आप मानेंगे नहीं कि वो क्या कुछ कुदरत का करिश्मा कहें या जो भी कहें कि एक टेक में मैं पूरा गाना गा गया विदाउट एनी यानी कोई ग्लिच नहीं आई कोई लफ्ज नहीं भूला कुछ नहीं हुआ किसी म्यूजिशियन ने कोई गलती नहीं की कुछ नहीं हुआ गाना में पूरा गा गया. कम से कम 7 मिनट का गाना मुश्किल है. अब वो जब खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अभी लक्ष्मी जी कहेंगे कि चलिए एक और करते हैं क्योंकि जो हमारे वहाँ जिस तरह से काम होता है कि कम से कम 2-4 टेक तो होते ही हैं. तो वो लक्ष्मी जी बाहर आए और कहने लगे पंकज जी आपने कमाल कर दिया. तो मैंने कहा क्या हुआ. बोले बस आप आइए अंदर और सुनिए. अच्छा. तो अंदर मैं गया और हमने गाना सुना तो देखा कि जो अंदर लोग खड़े हुए थे जिसमें भट्ट साहब भी थे और सलीम साहब जिन्होंने स्टोरी लिखी थी वो भी थे और राजेंद्र कुमार जी भी थे और लक्ष्मीकांत जी की पत्नी जो कभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा जाती नहीं थी कभी वो भी आई हुई थी. अच्छा जी. तो आई कुड सी के वो आंखें पोंछ रही थी. ओ. तो उस वक्त ये एहसास हुआ और बाद में लक्ष्मी जी ने मुझे बताया कि पंकज जी जब मुझे आपने बताया कि आप स्टेज पे इस तरह से गाते हैं तो बोले मैंने एक चांस लिया कि क्यों ना वो माहौल बनाया जाए कि जो स्टेज पे होता है. वाह वाह. और इट वर्क्ड. क्या बात है. बहुत ही कमाल. वाह 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 वाह. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.